हेलो एवरीवन, आज हम देख रहे हैं सुवेन फार्मा का शेयर। सो इसने देखिए वन डे के अंदर इसका मूवमेंट है 2% का, वन वीक का है इसका 6% का, और वन मंथ के अंदर करीब वही उतना 7% है। और वन ईयर का चार्ट देखिए आप, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसने 14% का रिटर्न वन ईयर में दिया है, पिछले वन ईयर में। बट अगर ये देखिए करीब करीब आपका अप्रैल 2022 में इसने लगभग 625 के आसपास हाई बनाया था, वहाँ से ही पूरा एकदम नीचे ये पूरा 400 रुपये तक गया, ठीक है। लेकिन 400 रुपये में जाने से पहले आप देखिए ये वाला जो लेवल था 500 के करीब, वहाँ पे इसने सितंबर 2022 में, उसके बाद में दिसंबर 2022 में, और फिर से वो एक सेम लेवल था जहाँ पे दो बार रेजिस्टेंस लेके उस लेवल के ऊपर इसने अभी क्रॉस करके क्लोज दिया है। सो हम देखते हैं इसके डेली चार्ट पे चल के कि यहाँ से हमारा क्या आगे टारगेट्स और नीचे सपोर्ट हमको दिख रहा है। सो चलते हैं डेली चार्ट पे। ये आ गया डेली चार्ट। डेली चार्ट पे देखिए आप, ये वाला जो लेवल था आपका, ये वाला लेवल 500 से 503 के आसपास, इस लेवल पे यहाँ पे वो एक बार आया और दो बार आया और थर्ड टाइम आया, और इसके ऊपर इसने दो बार जो आया इसमें यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था बस इस बार, लेकिन इसने 520 के आसपास क्लोज किया है। सो यहाँ से लग रहा है एक बार के लिए कि ये ऊपर के जो इसके प्रीवियस जो हाई है वहाँ तक ये एक बार जा सकता है। इसके अभी क्वार्टरली जो रिजल्ट हैं वो भी यहाँ पे अच्छे दिख रहे हैं। अगर देखेंगे हम तो इस क्वार्टर का जो रिजल्ट था उसमें देखिए आप, ये पिछले क्वार्टर में भी 169 CR का प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, और इसमें भी 167 का प्रॉफिट। ये ऑल टाइम इसके देखिए प्रीवियस, अगर हम देखेंगे तो यहाँ ये ऑल टाइम हाई इसका प्रॉफिट चल रहे हैं। सो यहाँ से हमको लग रहा है कि एक बार ये ऊपर का टारगेट जो है इसका 625 का जो हाई था उसको वापस वहाँ तक जाने का स्कोप दिख रहा है। और नीचे हम देखेंगे तो ये सपोर्ट एरिया है इसका, जो मतलब जो 200 डे मूविंग एवरेज है इसके आसपास ही, ये देखिए आप जनवरी मंथ से यहाँ पे 418-490 के आसपास, और यहाँ पे देखिए बार बार ना तो ऊपर गया ना नीचे गया, और नीचे आएगा तो जितना बार आया तो वहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही इसने सपोर्ट लिया, एंड देन फिर वापस देखिए आप 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, कंटिन्यूसली ट्रेवल कर रहा है। और आज का जो कैंडल है इसका, वो इसका 500 के ऊपर क्लोज दिया है डिसाइसिवली। सो यहाँ से हमारा एक रिस्क टू रिवार्ड 1:3, 1:4 के आसपास बन रहा है, ठीक है। नीचे आप सपोर्ट देख लेते हैं, यहाँ से करंट लेवल से हम सपोर्ट देखेंगे तो इसका जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो है 492। तो अगर वहाँ तक हम सपोर्ट कंसिडर करें, पहला सपोर्ट, तो ये है करीब करीब 5% का, ठीक है। और जो प्रीवियस जो इसका ये जो रेड कैंडल बना था वो था करीब 500 का, 498 का, सो वहाँ करीब 4%। सो 4 से 5% का हमारा यहाँ रिस्क है, और मैक्सिमम जो रिस्क यहाँ हम ले सकते हैं वो ज़्यादा हम इसका 200 डे मूविंग एवरेज तक ले सकते हैं, जो कि 480 का लेवल है और करंट लेवल से 8% नीचे है। सो नीचे हम ये कंसिडर कर सकते हैं 492, और 4 मेजर जो सपोर्ट होगा वो होगा आपका 200 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। सो ये नीचे 5-4% का नीचे डाउन साइड में एक नीचे सपोर्ट दिख रहा है, और ऊपर अगर हम टारगेट देखें तो टारगेट देखिए, फर्स्ट जो टारगेट होगा आपका ये होगा 580 के आसपास, ठीक है। जो ये वाला हाई बना था यहाँ पे देखिए, ये जो हाई बना था ये वाला लेवल था आपका 580 के आसपास, तो वहाँ से लगभग 10 से 11% का मूव हमको दिख रहा है 580 तक करंट लेवल से। और दूसरा जो टारगेट हम यहाँ से देख सकते हैं वो होगा करंट लेवल से ये वाला लेवल, जो इसका ऑल टाइम हाई था इसका 625 के आसपास। सो वो करंट लेवल से यहाँ से हमको 20% का मूव यहाँ से मिल सकता है, अगर ये 626 तक जाएगा तो। सो ये टारगेट्स आपके होंगे नेक्स्ट 2 से 4 मंथ के, 2 से 4 महीने के अंदर, हो सकता है 1 महीने में भी हो जाए, बट हम थोड़ा सा सेफ्टी के हिसाब से 3 से 4 महीने का टारगेट लेके चल रहे हैं कि आपको 20% ऊपर आराम से दिख सकता है, और अगर इसके ऊपर जाएगा तो वो हम बाद में देख सकते हैं। सो ये था आपका सुवेन फार्मा का शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।